हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एरे ऑफ स्ट्रिंग के बारे में। एरे हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग भी हम लोग सेपरेटली दोनों पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग एरे ऑफ स्ट्रिंग पढ़ेंगे, यानी कि दोनों को मिक्सअप करके। ठीक है, तो डेफिनेशन जरा सब देख लीजिए। एरे ऑफ स्ट्रिंग आर मल्टीपल स्ट्रिंग्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एरे ऑफ स्ट्रिंग बेसिकली एरे टू डी एरे की तरह ही काम करता है, रॉ और कॉलम वाइज। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली वो होता है 2D एरे ही। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लीजिए। चार एरे नेम, पहले ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका एग्जांपल देखिए, चार गिकी एरे नेम है। एरे नेम कैसे लिखना है, जिस तरह हम लोग वेरिएबल नेम लिखते हैं, जिस रूल को फॉलो करते हुए उसी रूल को फॉलो करते हुए एरे नेम भी लिखना है। और नंबर ऑफ स्ट्रिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ 2, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखा हुआ मैंने 5। ठीक है, ये डिक्लेरेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसका ये सिंटैक्स है और एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग मैंने 2 लिखा हुआ है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मैंने 5 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 मीन्स क्या और 5 मीन्स क्या। ठीक है, 2 मीन्स, पहले तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये रॉ क्रिएट करेगा, ये टेबल क्रिएट करेगा, सॉरी ये कॉलम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये तो हम लोग 2D एरे में ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है, ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग बनाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए। तो पहले स्ट्रिंग क्या होता है आप लोगों को पता है, स्ट्रिंग हम लोग जैसे कि हम लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ा था, तो स्ट्रिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं, देखिए WORD, ये स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है तो ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग 1 है। इसी तरह एक और स्ट्रिंग हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है, तो ये दो स्ट्रिंग हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 स्ट्रिंग हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि इस ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इंक्लूडिंग नल कैरेक्टर। याद रखिएगा, स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर के साथ होता है, तो एक नल कैरेक्टर के लिए भी हमें स्पेस चाहिए। तो ये 1, 2, 3, 4 एक नल कैरेक्टर, 5 ये स्ट्रिंग हमारा सही है, स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो जाएगा। इसको देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, ये स्ट्रिंग हमारा इसमें स्टोर नहीं हो पाएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग हम लोग लेते हैं 1, 2, 3, 4, एक नल कैरेक्टर 5, तो ये होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये 2 स्ट्रिंग्स हैं, इसको कहते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, लेंथ जो होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2, 3, 4 एक नल कैरेक्टर, 5 लेंथ है, तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये लेंथ ऑफ क्या हुआ, स्ट्रिंग हो गया। तो यही है हमारा नंबर ऑफ स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग एरे ऑफ स्ट्रिंग के डिक्लेरेशन में। ओके, यहाँ जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 4, 2, 5, तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐसे लिखते हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, ये CHAR, ये डाटा टाइप हमने दिया, ये हमने गिकी लिखा, एरे नेम है हमारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, ये ब्रैकेट दिया, ये ब्रैकेट दिया, ये सेमीकोलन, और इसको इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ साइज डिक्लेयर नहीं करते, तो जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो एरे ऑफ स्ट्रिंग का, तो आपको यहाँ साइज देना पड़ेगा, मस्ट है साइज देना, दोनों में ही साइज देना मस्ट है। दोनों में अगर आप साइज नहीं देंगे तो या तो आपको एरर आएगा, अगर बाय द वे एरर नहीं आता है, अगर कंपाइलर आपको एरर नहीं बताता है, तो आपको प्रोग्राम जो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ओके, इसलिए याद रखिएगा कि हम लोग एरे ऑफ स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन जब भी करेंगे, साइज दोनों ही साइज देना, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देना जरूरी है। इनिशियलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। डाटा टाइप लिखा है, एरे नेम लिखा हुआ है 3, 10, 3 नंबर ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। नंबर ऑफ स्ट्रिंग देखिए, पहला ये हो गया स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग ये हो गया,
और तीसरा स्ट्रिंग हो गया, यानी कि हम लोग इसमें तीन स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं जिसमें से प्रत्येक का लेंथ होना चाहिए 10। तो देखते हैं इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक नल कैरेक्टर 9। हाँ ये स्टोर हो जाएगा, ये भी स्टोर हो जाएगा और ये 3, 6 ये भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सही है, इसको हमने स्टोर कर लिया। इस तरह से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं डायरेक्ट, डिक्लेयर करने के बजाय हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं इस तरह से डायरेक्ट। ठीक है, एक ये है, इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें हमने नंबर ऑफ स्ट्रिंग नहीं लिखा। तो जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो तो आप अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग नहीं भी लिखते हैं तो आपका सिंटैक्स जो है वो सही है। ठीक है, लेकिन आपको ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, ये मस्ट। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो इनपुट हुआ डाटा या फिर इनिशियलाइजेशन के थ्रू जो हमने यहाँ लिखा हुआ स्ट्रिंग, ये कैसे स्टोर होता है, इसका लोकेशन कैसे क्रिएट होता है। तो पहले हम लोग डिक्लेरेशन में जाते हैं, वहाँ देखते हैं। हालांकि इससे भी दोनों क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग इनिशियलाइजेशन को भी एक बार देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका लोकेशन कैसे क्रिएट होता है, किस प्रकार से इसका डाटा स्टोर होता है। ओके, इसीलिए देखते हैं। यहाँ मैंने बताया था कि 2D एरे की तरह काम करता है लगभग, तो इसका मतलब ये रो क्रिएट करेगा और ये कॉलम क्रिएट करेगा। देखिए किस तरह से क्रिएट करता है, 0, 1, 5 है तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यूज़र ने इनपुट किया है क्या, पहला वर्ड, पहला स्ट्रिंग वर्ड, तो ये स्टोर होगा देखिए इस तरह से WORD। ठीक है, और यहाँ नल करेक्टर स्लैश और 0। इसी तरह बुक भी स्टोर होगा BOOK नल करेक्टर। ओके, तो इस तरह से ये स्टोर होता है। अभी अगर जैसे कि हमने ये स्टोर करवाया, लेकिन हमने स्टोर कैसे करवाया, हमने तो स्कैन ऐप यूज़ नहीं किया, तो स्कैन ऐप कैसे यूज़ करना है यह भी आपको देखना पड़ेगा। इसकी स्कैन ऐप कैसे यूज़ करते हैं, देखिए स्कैन ऐप कैसे किस तरह से यूज़ करना है हमें जब हम लोग एरे ऑफ स्ट्रिंग में काम कर रहे हो। तो ये स्कैन ऐप का फंक्शन है हमारा, इसमें हम लोग क्वोट्स के अंदर %s लिखते हैं क्योंकि हमें स्टोर करना है स्ट्रिंग। ठीक है, कॉमा देकर हमें आगे लिखना है गिकी, जो कि एरे का नेम होगा हमारा। ये नेम % का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, और यहाँ आपको लिखना है लोकेशन, ये लोकेशन। ठीक है, ये आपको ऐसा नहीं लिखना है कि 0001 02 03 04, ये सारी क्यों नहीं लिखना, सिर्फ आपको ये लोकेशन लिखना है 0। रॉ का जो लोकेशन होगा, जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग का लोकेशन होगा, उसको आपको लिखना है। सिर्फ ये 0 लिखने से ही आपका ये पूरा वर्ड जो है 1 by 1 यहाँ कॉलम्स में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आपको ये स्टोर करवाना है तो आपको यहाँ इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 1 से। ठीक है, इसी तरह अगर प्रिंट करवाना हो तो आपको प्रिंट ऐप फंक्शन का, स्कैन ऐप की जगह आपको प्रिंट ऐप फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और आपको अगर आप वर्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप 0 लिखिए, अगर आप बुक को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो 1 लिखिए। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखेंगे, जब प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो हम लोग कोड्स में भी देख लेंगे कि किस तरह से मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका प्रैक्टिकली क्या मीनिंग है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए थ्योरेटिकली ये है कि ये इस तरह से स्टोर होता है, इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़, अगर आप पार्टिकुलरली चाहते हैं कि आर को प्रिंट करवाना या फिर इस लोकेशन पर किसी खास वर्ड को, कैरेक्टर को स्टोर करवाना, तो वह कैसे होगा, उसके लिए जैसे कि प्रिंट करवाना, इसके लिए हमने देख लिया प्रिंट का, हम लोग देख रहे हैं जैसे कि प्रिंट करवाना है, मैंने स्टोर करवा लिया इस फंक्शन के थ्रू, मैंने स्टोर किया वर्ड। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये आर मेरा प्रिंट हो, तो कैसे होगा, उसके लिए आपको प्रिंट ऐप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट ऐप। ठीक है, %c क्यों, क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, स्ट्रिंग नहीं। उसके बाद आपको लिखना है गिकी
उसके बाद आपको ये पूरा लोकेशन लिखना पड़ेगा, 0 2, 0 रॉ में और 2 कॉलम में, ठीक है। सिर्फ अगर आप किसी एक स्ट्रिंग सॉरी एक कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो, ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होगा, इस फंक्शन के थ्रू आपका ये आर प्रिंट होगा स्क्रीन पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरे स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर स्टोर करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको रॉ का जो लोकेशन है या फिर नंबर ऑफ स्ट्रिंग का जो लोकेशन होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अब अगर किसी खास कैरेक्टर को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं या फिर स्टोर करना चाहते हैं तो आपको रॉ और कॉलम दोनों का साइज लिखना पड़ेगा, ठीक है, यही है इसका मीनिंग। ओके, तो इसमें और कुछ बताने के लिए नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन जैसे हमने अभी पिछले कुछ देर पहले आपको बताया कि कैसे स्टोर होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार फिर भी हम लोग, ये आपका क्रिएट करेगा 0 1 2, ये 10, तो 0 1 2 3 4, ओके। तो ये रो और कॉलम बन गया हमारा। अभी इसका स्टोर कैसे होगा, देखिए ये कंप्यूटर है तो ये कंप्यूटर ऐसे ही स्टोर होता जाएगा, COMPUTER, और एक यहाँ एक नल कैरेक्टर, ओके। उसी तरह उसके नीचे ये स्टोर होगा बुक, BOOK, बुक, और इसका यहाँ नल कैरेक्टर, ठीक है। उसी तरह लॉजिटेक यहाँ स्टोर होगा, लॉजिटेक, और ये इसका यहाँ नल कैरेक्टर, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने उसको प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने सिर्फ रॉ का इस्तेमाल किया था, नंबर ऑफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया था, उसी तरह इसमें भी वही है कि अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं कंप्यूटर तो आपको सिर्फ 0 लिखने की आवश्यकता है और किसी चीज़ की नहीं, ठीक है। अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं कंप्यूटर तो आपको सिर्फ 0 लिखने की आवश्यकता है और किसी चीज़ की नहीं, ओके। उसी तरह अगर आप बुक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको सिर्फ 1 लिखना है, यानी कि गिकी वन लिखना, और आपका क्या होगा, ये बुक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। गिकी वन से भी लिखना, प्रिंट ऐप पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ ये लिखेंगे तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ओके। इसका जो लोकेशन क्रिएट होता है वो बिल्कुल जो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो दिख ही रहा होगा आपको कि इसका लोकेशन किस तरह से क्रिएट हुआ है। तो एक्सेस करने का जो तरीका है, जैसे कि हम लोग किसी खास नंबर को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि यू प्रिंट हो, तो बिल्कुल अभी कुछ देर पहले जैसे हमने देखा था कि प्रिंट ऐप, फिर यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा 0 और 4 और परसेंट सी का यूज़ करना पड़ेगा, तो हमारा ये यू प्रिंट होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस तरह से ये इनिशियलाइजेशन का लोकेशन एरे ऑफ स्ट्रिंग का जो लोकेशन लोकेशन पता लगा सकते हैं हम लोग, और उसको इस तरह से ये डाटा स्टोर होता है, ओके। अब इसमें आते हैं हम लोग, इसमें क्या है, इसमें रो या नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया हम लोगों की तरफ से, हम लोगों ने यहाँ डिफाइन नहीं किया, तो ये डिफाइन कौन करता है, ये कंपाइलर करता है। कंपाइलर को हमने कहा कि आप देख लीजिए कि कितना नंबर ऑफ स्ट्रिंग है, मुझे नहीं पता, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर ऑटोमेटिक इसको गिन लेगा कि 3 है, तो ये 3 इसी तरह से 3 रॉ क्रिएट कर देगा और बाकी जो प्रोसेस है वो सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है, ओके। देन आई होप कि ये वीडियो में काफ़ी लेंदी हो गया है, तो इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल्स में बताने की कोशिश किया है। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।